हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सुधा फैमिली ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ, अभी थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहे हैं। अभी जा रहे हैं आज कथा में, बगल में कथा है। सोचे तो थे साड़ी पहनेंगे, निकाले भी, लेकिन फिर हिम्मत नहीं हुई कि साड़ी पहने। साड़ी में देखिए, नहीं करते करते भी थोड़ा बहुत तो ये भी रहता है ना कि एक्स्ट्रा तो करना ही पड़ता है। अब चूड़ी चेंज करो, फिर कान का भी, मुझे ये बाली बिल्कुल पसंद नहीं है कहीं जाने के लिए, लेकिन अब छोड़ रही है, हम क्या छोड़, नहीं हिम्मत नहीं हो रही है कि जाएं। अभी गेहूँ भी धुले हैं तो और ज़्यादा कमर में दर्द हो गया, इस वजह से भी छोड़ दिए कि हम नहीं जाएंगे, मतलब नहीं साड़ी पहनेंगे। साड़ी निकाल के गए थे, गेहूँ कहे थे गेहूँ धुल के आए तो फिर नहा के तैयार हो जाएं, लेकिन हिम्मत ख़त्म हो गई, हम कहे नहीं पहनेंगे अब साड़ी, यही सूट ही पहन लिए हैं। अभी जूती नहीं पहने हैं, जूती तो खैर बाहर रखा हुआ है, निकलेंगे तब पहनेंगे। ज़्यादा चाय नाश्ता करके ही जा रहे हैं, क्योंकि दवाई भी लेना रहता है तो दवाई का फिर देर हो जाएगा। अभी तो कथा में काफ़ी देर हो रहा है, जाएंगे भी ऐसे समय जैसे जाएं और थोड़ा सा पूजा बचा हो और चले आएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाते हैं। आज बाल नहीं धुले, शुक्रवार को धुले थे, फिर आज हिम्मत नहीं हुई कि धुले, क्या धुले, तेल लगा लिए थे कल। आजकल तबीयत ख़राब भी रहे तो बाल ज़्यादा सूखा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सर में दर्द वैसे ही वीकनेस रहती है तो और सर में दर्द भी बढ़ जाएगा, तो तेल लगा लिए थे। चलिए फिर चलते, पहले नाश्ता कर लें, तो चाय बन रहा है तो चाय नाश्ता कर लें फिर जाएंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, ये दूसरे दिन का वीडियो है। उस दिन वीडियो तो स्टार्ट किए लेकिन फिर आगे कंटिन्यू नहीं रख पाए, तो अभी आज दूसरे दिन सब्जी बना रहे हैं, आलू, पत्ता गोभी, गाजर, मटर, यही है। कल तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, कथा में ज़्यादा देर तक बैठना पड़ा, इस वजह से काफ़ी थक गए थे, तो फिर आगे नई वीडियो कंटिन्यू रख पाए। बिल्कुल सिंपल तरीका से सब्जी बना रहे हैं, मसाला बहुत थोड़ा सा रहता है सब्जी, क्या सूखी सब्जी भी कह सकते हैं, क्योंकि पानी बिल्कुल नहीं डालते हैं। प्याज और लहसुन अदरक से छौंक के, और फिर आलू मटर को थोड़ा सा भुनने के बाद मसाला डाल दिए हैं। उसमें टमाटर बीच में डाल दीजिए ना, तो उसमें नमक डाल दीजिए तो तुरंत गल जाता है। ऐसे टमाटर बड़े बड़े रहते हैं ना पीस में, तो मेरे बच्चों को फिर निकाल निकाल के बाहर रख देंगे, ऐसे करके दबा गला देते तो फिर बच्चे खा लेते हैं। ये आलू भुन गया है, पत्ता गोभी, गाजर, ये सब डाल देंगे। मेरे हस्बैंड को ऐसे ही पत्ता गोभी की सब्ज़ी पसंद है, पत्ता गोभी की रस्से वाली तो बिल्कुल पसंद ही नहीं है इनको। पत्ता गोभी ज़्यादा है क्योंकि गल भी जाता है, और सुबह नाश्ते में रहता है, फिर टिफ़िन भी ले जाना रहता है, फिर दोपहर का रहता है, इसलिए सब्ज़ी थोड़ी ज़्यादा ही रहती है। मम्मी भी अपना आटा लगाने के लिए तैयारी कर रही थी, बस रोटी मम्मी बना लेंगी। ये सब्ज़ी लगभग भून गया है, थोड़ी देर छोड़ देंगे तो पक जाएगा। अभी सब्ज़ी बन गया है, अब मम्मी रोटी भी बना रही हैं। अपना नाश्ता लें, ये देखिए मेरे वॉशिंग मशीन का पूरा काट दिया है, इसकी पाइप यहाँ से भी काट दिया है, चूहा पूरा, ये देखिए पानी इसमें से लीक हो रहा है, और इधर भी कहीं काटा है, ऐसे नहीं पता चल रहा, बारीक काट दिया पता नहीं। देखिए इसमें टेप चिपका के देखें, हाँ इधर काटा है बहुत सारा, टेप चिपका के देखेंगे, नहीं सही होगा तो फिर तो नया ख़रीद के लाना पड़ेगा।
चलिए पहले नाश्ता कर लें। अभी जाके नहा के आए, सुबह किचन में जो भी काम करना रहता है, सब्जी बनाए आज, आलू पत्ता गोभी और उसकी बनानी थी सब्जी। पत्ता गोभी काटे तो फिर लगा कि बना भी दे, सॉक्स पहन रहे काफ़ी बढ़ गई है ना, सॉक्स के इनर सॉक्स ये सब के बिना अब काम नहीं चलने वाला है। ठंडी इतनी ज़्यादा लग रही है और धूप में भी रहता, धूप में इतनी हवा है ना कि कभी जब हवा बंद होती है तो धूप काफ़ी तेज़ लगता है छत पे बैठो तो, और जहाँ हवा चलने लगती है तो धूप का कोई मतलब नहीं रहता। आज तो अभी तक धूप पे नहीं गए हैं, काम ही इधर उधर करते, फिर नाश्ता किए, नाश्ता करने के बाद फिर मम्मी लोग नहाती रहती हैं, ओम के जाने का समय रहता है तो लगता है ये लोग अपना निकल ले तब हम अपना नहाएं, तब नहाए तो अभी दवाई भी लेके आए हैं, दवाई खाएंगे। अभी इसके ऊपर भी एक जैकेट डालेंगे, अगर नीचे रहना होगा तो, छत पे जाना होगा तो खैर देखिए जाते ही हैं। थोड़ा सा ये भी रहता है देव को भी सुलाना है, तो लेट जाओ तो फिर छत पे कहाँ जा पाएंगे। सुबह सब्जी बनाया, उसके बाद रोटी मम्मी बनाई, क्योंकि इकट्ठा बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं अभी अभी तो, करने को तो वैसे इतना भी नहीं करना चाहिए लेकिन मेरी आदत है ज़्यादा देर बैठ के नहीं रह पाते हैं, और काम देखते हैं ना तो उलझन होती है, लगता है कर ले, ऐसा नहीं कि जानबूझ के तकलीफ़ में रहे, तो तकलीफ में मतलब नहीं रहे तो लेटे रहे, नहीं हो पाता, थोड़ा सा सही लगता है ना तो लगता है ये भी कर देते वो भी कर देते, आलस नहीं करते हैं। शादी से पहले तो बिल्कुल काम नहीं करते थे, लेकिन उसमें भी था कि जो मेरी जिम्मेदारी थी, जो भी घर की साफ़ सफाई थी या जो भी छोटा मोटा काम था, तो वो अपने नियम से करते थे, उसमें मुझे आलस नहीं रहता था। और अब शादी के बाद भी हो गया कि अब जितने काम मेरे जिम्मे हैं वो मुझे बिल्कुल मतलब ये नहीं रहता कि आलस करें लेटे रहें, नहीं मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, थोड़ा सा तबीयत ख़राब भी रहती है तो कोशिश करते हैं, हाँ ये रहता है कि जल्दी जल्दी काम नहीं कर पाएंगे, थोड़ा धीमे धीमे होता है, लेकिन आलस नहीं आती है कि जानबूझ के लेटे रहें, मुझसे नहीं हो पाता। तो सब्ज़ी मेन, सब्ज़ी सुबह सब्ज़ी रोटी ही मेन रहता है, तो आटा तो वैसे अभी हमको गूंथना नहीं है तो इस वजह से सब्जी बनाए, सब्जी बनाने के बाद फिर अब दाल चावल में तो उतना मेहनत होता नहीं है, दाल चावल तो दाल तो मतलब कभी मैं भी चढ़ा देती हूँ, कभी मम्मी भी चढ़ा देती हैं, या मम्मी ऊपर छत पे बैठी हैं तो चावल भी चढ़ा देते हैं उसका लेता, और खाना तो अक्सर मैं ही निकाल के दे देती हूँ, क्योंकि सबको जल्दी 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 निकाल के एक बराबर दे दो ना, यहाँ पे रहता है कि सब लोग एक साथ ही खाते हैं तो इकट्ठे सबका निकाल दो, बर्तन खाली कर दो। चलिए पहले अभी दवाई खा ले, अभी खाली बैठे थे तो देखे कपड़ा इधर उधर रखा था, क्या फोल्ड कर दें, अलमारी देखिए कितना ज़्यादा भरा हुआ है, ठंडी के दिनों में यही है, स्वेटर्स उलेन चीज़ों से पूरा अलमारी, अभी कितना भी चाहो तो कम करने के लिए नहीं हो पाता है। कल गए थे बाहर कथा में, बगल में कथा था, बर्थडे भी था, बच्चे का बर्थडे था तो कथा भी था, कथा में गए तो वीडियो तो तैयार हुए, तो जितना भी थोड़ा बहुत तैयार हुए तो वीडियो बनाए, तैयार हो जाओ तो फिर लगता है कि कैमरा भी उठाए, तो थोड़ा बहुत शूट किए फिर आए वहाँ से, काफ़ी बैठना पड़ा, जबकि गए थे काफ़ी सोच के कि जानबूझ के लेट गए थे, लेकिन गए तो पता चला थोड़ी देर पहले कथा स्टार्ट हुई है, वहाँ से आए तो फिर हिम्मत नहीं हुई कि वीडियो कंटिन्यू रखें। और शाम को खाना भी था, हम लोगों का शाम को खाना भी वहीं पे था, तो केवल मम्मी और इनका, इन दोनों लोगों का खाना घर पे था, तो इस वजह से वीडियो स्टार्ट मतलब आगे कंटिन्यू नहीं रख पाए, फिर आज सुबह से स्टार्ट किए। आज भी ठीक है, अब तबीयत पहले से बहुत ठीक है, अभी थोड़ा बहुत तो देखिए पूरी तरह से तो इतनी जल्दी सही नहीं हो जाएंगे, लेकिन हाँ पहले से काफ़ी बेटर धीरे धीरे हो रहा है, और बेटर होता है तो चेहरे पे ही खुद दिखने लगता है, और
काम में भी आलस जैसे ख़त्म हो जाती है, जहाँ थोड़ा सा भी तकलीफ़ रहता है ना तो फिर। और एक तो मेंटली बहुत ज़्यादा इस बार हम परेशान हो गए थे, क्योंकि दो दो बार कुछ भी मतलब सेम सिचुएशन दो बार आए तो काफ़ी डर लगता है। सारे सुइयां कभी लगी नहीं थी एक साथ, कोई गिनती नहीं थी। अब तो मतलब बीच में तो ऐसा हो गया था कि सुई लेके आती थी सब तो खुशी खुशी कहते थे, अब कितनी सुई लाई हो आप तो, और है मतलब सुई से अब आपको डर, क्या करें। दिन भर में 3 टाइम उन लोगों का था, सुबह दोपहर में या दो 3 बजे के लगभग में और एक 8 बजे के लगभग में। दो तीन तो रहती थी एंटीबायोटिक, तो कौन सी कर करके पेन की रहेगी तो ये रहेगी। कभी कभी ऐसा हो जाता था कि खूब दर्द बढ़ जाता था तो खुद से बोलना पड़ता था कि दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो फिर सुई लगाते थे लोग। आज घी भी बनाना है, काफ़ी भर गया है। इसी के साथ वीडियो का भी एंड करते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, न्यू हो सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो डालो तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।